हुंडई की कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू में टोटल 13 वेरिएंट्स आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक्स को मिला के। इसके बेस ई को छोड़ दे तो सारे वेरिएंट्स में म्यूजिक सिस्टम आता है। इसके एस वेरिएंट में दे रखा है 2 डिंग का एक बटन बेस म्यूजिक सिस्टम। एसएक्स के सारे वेरिएंट्स में आ रहा है 8 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम, और इसके टॉप वेरिएंट एसएक्स ऑप्शनल मिल जाएगा 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें मैं एस के बटन बेस म्यूजिक सिस्टम और उसके टॉप एसएक्स ऑप्शनल के 8 इंच के टच म्यूजिक सिस्टम के अलग अलग फीचर्स रिव्यूज आपके सामने ला चुका हूँ। आज के मैं अपने इस वीडियो में बात करूंगा हुंडई वेन्यू एसएक्स के 8 इंच के टच म्यूजिक सिस्टम के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे जब मैंने टॉप वेरिएंट एसएक्स ऑप्शनल का 8 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम का एक वीडियो बना चुका हूं, तो आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? वेन्यू में एसएक्स वेरिएंट का जो 8 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम है वो डिफर करता है टॉप वेरिएंट एसएक्स ऑप्शनल के 8 इंच के टच म्यूजिक सिस्टम से। आज के मैं अपने इस वीडियो में यही बात करूंगा कि एसएक्स के जो 8 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है उसमें क्या फीचर डिफरेंस है टॉप वेरिएंट से, साथ में आपको इसके म्यूजिक सिस्टम में क्या फीचर्स मिल जाएंगे जब आप परचेज करेंगे हुंडई वेन्यू एसएक्स को। आपका होस्ट विनी कार दुनिया से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। ये आपके सामने है हुंडई वेन्यू एसएक्स का 8 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम, जो कि बिल्कुल हूबहू दिखेगा एसएक्स ऑप्शनल के 8 इंच के टच म्यूजिक सिस्टम से। इसकी डिजाइनिंग को भी देखेंगे तो ये देखिए टॉप वेरिएंट की तरह इसमें भी उभार पैटर्न दिया हुआ है, ये फ्लोटिंग डिजाइन में इसको बनाया गया है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे टॉप वेरिएंट एसएक्स ऑप्शनल के म्यूजिक सिस्टम के लिए नेविगेशन कार्ड लगाने का यहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि एसएक्स ऑप्शनल के म्यूजिक सिस्टम पे जो है 8 इंच के इनबिल्ड नेविगेशन सिस्टम आता है, लेकिन यहाँ पे इसको सील्ड किया गया है क्योंकि इसमें वेन्यू एसएक्स में इनबिल्ड नेविगेशन सिस्टम नहीं दे रखा है। तो ये एक डिफरेंस है, इनबिल्ड नेविगेशन सिस्टम आपको मिलेगा सिर्फ टॉप वेरिएंट के 8 इंच के एसएक्स ऑप्शनल के म्यूजिक सिस्टम पे, और एसएक्स में इनबिल्ड नेविगेशन सिस्टम नहीं आता है। अब बाकी इसके बाकी चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पेन ड्राइव को लगाने के लिए पोर्ट दिया हुआ है, स्टीयरिंग पे म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट करने के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ये म्यूजिक सिस्टम टोटल 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्यूटर्स के साथ मिलेगा। नीचे के तरफ यहाँ पे हर डोर्स पे एक स्पीकर लगा हुआ है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे फ्रंट के दोनों डोर्स पे ट्यूटर्स मिल जाएंगे। इसके इंटरफेस यानी फीचर्स को चेक करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे टॉप पे डेट शो कर रहा है, उसके बगल में टाइम दिखा रहा है। नीचे की तरफ यहाँ पे ये रेडियो का है, सबसे पहले मैं रेडियो को चेक कर लेता हूँ तो इसके बैंड्स को देखते हैं। तो ये देखिए बाकी रेडियोस की तरह इसमें एफएम एएम बैंड दे रखा, साथ में इसमें डीआरएम डिजिटल रेडियो मोंडियाल जो कि फ्यूचर में आने वाला रेडियो है उसका भी यहाँ पे आपको इसमें बैंड मिल जाएगा। इसके बगल में इन्फो दिया हुआ है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही होगी चैनल पर तो उसको ऑन करके रखिए, यहाँ पर दिखा देगा। ये मेनू पे देखते हैं तो ये चैनल्स को सेट करने के यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। बैक करके चेक करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो इसको टच करते ही ये डिवाइस कनेक्शंस पे चला गया। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी हुई है, आप अपने स्मार्टफोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दे रखा है। चलिए सबसे पहले दिखा देता हूँ इसमें ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट किया जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्शंस के लिए आप जाइए ब्लूटूथ कनेक्शंस पे, यहाँ पे देखिए ऐड न्यू का ऑप्शन दे रखा है, आप ऐड न्यू करिए। ऐड न्यू करने पे यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगे, हैंड्स फ्री कॉलिंग और ऑडियो स्ट्रीमिंग। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज़ को अनटिक कर रखा है तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। कॉलिंग फीचर को एक्टिवेट करने के लिए हैंड्स फ्री कॉलिंग पे एक्टिव इसको इनेबल रखिए, और ऑडियो स्ट्रीमिंग यानी अगर आप अपने फोन के म्यूजिक को सुनना चाहते हैं तो आप इसको भी इनेबल रखिए। तो मैं इसमें दोनों को इनेबल रख के यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब ये सर्चिंग पे आ गया है, अपने फोन के ब्लूटूथ कनेक्शंस पे जाइए, वहां पे सर्च करिए। सर्च करके नीचे की तरफ यहां पे देखिए वेन्यू आ गया, बस वेन्यू को आप टच करिए, ये पेयरिंग कर देगा मेरा कार दुनिया ब्लूटूथ कनेक्शन। देखिए इसमें पेयर कर रहा है और ये पेयर्ड हो गया, ये हैंड्स फ्री और ऑडियो दोनों के लिए समय ये कनेक्टेड हो गया। इसके बाद मैं इसमें बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद आप बस कुछ नहीं करना, आपका फोन कनेक्ट होने के बाद आप इसमें कॉलिंग एंड ऑडियो दोनों फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए नीचे फोन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप फोन पे जाइए। फोन पे जाने पर देखिए मेरी पूरी कॉल हिस्ट्री दिखा रहा है, यहाँ पे फेवरेट्स को भी ऐड कर सकते हैं, कोई नंबर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ये मेरी फोन बुक अभी डाउनलोडिंग कर रहा है, डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे मेरे सारे कॉन्टैक्ट दिखा देगा, प्लस आप यहीं से इसमें डायलिंग भी कर सकते हैं। कोई कॉल आएगा तो नंबर अगर सेव होगा तो यहीं पर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा, और स्टीयरिंग पे दिए गए ये 2 बटन दे रखे हैं कॉल को पिक एंड कट करने के लिए, आप यहीं से इसको आराम से कॉल को अटेंड कर सकते हैं। प्लस यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये एक माइक दिया हुआ है, इसके थ्रू आवाज़ जाएगी और म्यूजिक सिस्टम के जो स्पीकर्स डोर्स पर लगे उसके थ्रू आवाज आएगी। इस तरीके से कॉलिंग फीचर वर्क करता है। इसके बाद अब मैं दिखा देता हूं आपको, अगर आप फोन के सॉन्ग्स को सुनना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, जस्ट आप मीडिया को प्रेस करिए। मीडिया को प्रेस करने बाद ये देखिए जो भी मेरे फोन पे सॉन्ग्स हो गए उनको आप यहां से प्ले कर पाएंगे। तो ये फीचर हो गया इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का। अब चलिए वापस चलता हूं बाहर और डिवाइस कनेक्शंस पे जाके देखते हैं एंड्रॉइड ऑटो को किस तरीके से वर्क करता है।
एंड्रॉयड ऑटो को यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद आपको अपने एंड्रॉयड फोन के स्टोर पे जाइए। स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ टाइप करिए एंड्रॉयड ऑटो को। ये देखिए एंड्रॉयड ऑटो आ गया, ये मैंने ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल कर रखा है। एंड्रॉयड ऑटो को इंस्टॉल करिए, ओपन करिएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उनको आप अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद ये इस तरीके से ये चालू हो जाएगा। इसको आप कुछ ना करिए, इसको एग्जिट कर दीजिए। इसके बाद अपने डेटा केबल को लाइए, डेटा केबल को कनेक्ट करिए अब इस म्यूजिक सिस्टम के यूएसबी पोर्ट से और अपने फोन से। जस्ट अब आपको इस फोन में कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड ऑटो को डिटेक्ट कर देगा। यहाँ पे अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको करना है ट्रांसफर फाइल पे। बस जैसे इसको करेंगे यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट, ओके ओके। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट कर दिया। एंड्रॉयड ऑटो इस कार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम नहीं दे रखा है, तो आप इसमें नेविगेशन को ऑपरेट कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन के नेविगेशन चल जाएगा हुंडई वेन्यू के एसएक्स म्यूजिक सिस्टम पे एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू। यहां पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन इसमें नेविगेशन के लिए ही दिया हुआ है। ये नेविगेशन देखिए स्टार्ट हो गया, ये मेरे फोन का नेविगेशन इसमें चल रहा है थ्रू एंड्रॉयड ऑटो। उसके बगल में आप कॉलिंग फीचर को भी यूज कर सकते हैं थ्रू एंड्रॉयड ऑटो। इसके बीच में यहाँ पे रीसेंट एक्टिविटीज कोई भी होंगे तो यहाँ पे वो शो कर देगा। इसके बगल में यहाँ पे फोन के म्यूजिक को ऑपरेट करने का ऑप्शन है, यहीं से आप अपने फोन के म्यूजिक को सुन सुनाएंगे। उसके बगल में यहाँ पे देखेंगे तो ये रिटर्न टू हुंडई लिखा हुआ है, यानी ये वापस म्यूजिक सिस्टम पे आ जाएगा। इस तरीके से एंड्रॉयड ऑटो वर्क करता है। एंड्रॉयड ऑटो को मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, वापस डिवाइस कनेक्शन पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एप्पल कारप्ले दे रखा है। ठीक जिस प्रकार से एंड्रॉयड ऑटो एंड्रॉयड फोन्स के लिए वर्क करता है उसी तरीके से एप्पल फोन्स के लिए एप्पल कारप्ले दिया हुआ है। एप्पल कारप्ले भी इस म्यूजिक सिस्टम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एप्पल के iOS 12 वर्जन पे थर्ड पार्टी मैप सपोर्ट आ चुका है। तो इस तरीके से एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले हुंडई वेन्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेविगेशन को चलाने के लिए। यहाँ पे स्टेयरिंग पे देखिए वॉइस रिकॉग्निशन बटन भी दिया हुआ है, ये वर्क करता है एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के लिए। यानी आप यहीं से इसको प्रेस करके कमांड दे सकते हैं कॉलिंग, या फिर कोई भी डेस्टिनेशन को आपको सर्च करना है तो आप इस बटन के थ्रू प्रेस करके कमांड दे के उनको सर्च या कॉल कर सकते हैं। तो ये बात तो हो गई इसके डिवाइस कनेक्शंस की। अब चलिए और चेक करते हैं हम यहाँ पे इस पे मेन्यूज पे जाते हैं। तो पहला फीचर्स में दिया हुआ है फोन कनेक्शंस का, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये वॉइस मेमोज दी हुई हैं, यानी आप कुछ भी जस्ट अपनी कोई भी रिमाइंडर्स को वॉइस में लगा सकते हैं। जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो ये रिकॉर्ड करता जाएगा, रिकॉर्ड करने बाद इसको आप यहाँ पे सेव कर दीजिए और ये सेव हो जाएगा। तो जस्ट आप अपने इसमें रिमाइंडर्स लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये जस्ट एक रिमाइंडर्स हैं जो आप सेट कर सकते हैं थ्रू वॉइस। इसके बगल में यहाँ पे ये फेवरेट्स दिए हुए हैं, ये एक शॉर्टकट्स बनाने के लिए है। अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज ज्यादा यूज करते हैं, फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, जैसे आपको सपोज कोई FM का चैनल ज्यादा यूज करते हैं तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो आप इसको इजीली एसेस कर पाएंगे। देखिए इस तरीके से ऐड हो गया। प्लस और भी कुछ चीजें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हम ज्यादातर फोन को यूज करते हैं तो हमने फोन को यहाँ पे मान लीजिए डायल को यूज करते हैं तो उसको डायल को ऐड कर दीजिए। देखिए डायलर ऐड हो गया। तो ये जस्ट एक शॉर्टकट बनाने के लिए यहाँ पे फेवरेट्स दिए हुए हैं। इसके बगल में रेडियो है, ये वाला पार्ट में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये मैनुअल दिया हुआ है, ये अपने स्मार्टफोन के QR रीडर से इसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद मैनुअल पूरी आपके फोन पे आ जाएगी और उसको आप रीड कर सकते हैं, इसके सारे फीचर्स उसमें मिल जाएंगे। इसके नीचे यहाँ पे मीडिया दिया हुआ है, मीडिया में अभी जैसे मेरा फोन ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो यहाँ पे ब्लूटूथ का दिखा रहा है। इसके अलावा और भी मीडिया सोर्सेज हैं, इसमें USB, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। एंड्रॉयड ऑटो मैं आपको दिखा चुका हूं, एप्पल कारप्ले सेम उसी तरीके से वर्क करता है। USB दिखा देता हूं कैसे काम करेगा। इसमें मेरे पेन ड्राइव में थोड़े से कुछ म्यूजिक्स हैं और वीडियोज हैं, मैं प्ले करके दिखाता हूं आपको। मैं इसको यहां पे कनेक्ट कर देता हूं पोर्ट में और ये देखिएगा अभी रीडिंग करने बाद ये इनेबल हो जाएगा। ये देखिए ये इनेबल हो गया और यहाँ पे आप इसमें म्यूजिक को सुन पाएंगे। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आपको और मिलेगा, मेरी पेन ड्राइव पे कुछ वीडियोस भी हैं लेकिन उन वीडियोस को आप प्ले नहीं कर पाएंगे। हुंडई वेन्यू के SX के म्यूजिक सिस्टम पे वीडियो प्लेबैक नहीं दे रखा है। ये भी एक डिफरेंस है टॉप एरेंट SX ऑप्शनल के म्यूजिक सिस्टम से, उसमें आप वीडियो को प्लेबैक कर सकते हैं लेकिन इसमें सिर्फ आप MP3 सॉन्ग्स को ही सुन पाएंगे क्योंकि ये एक HD पैनल डिस्प्ले नहीं दिया हुआ है।
तो यहाँ पे एक डिफरेंस और निकल के आया जो एसएक्स ऑप्शनल के म्यूजिक सिस्टम और एसएक्स में रहा। तो मीडिया के बाद अब इसके बाद हम बगल में और देखते हैं फेवरेट्स, अगेन उसी फेवरेट्स में आ गया। मैं वापस चलता हूँ उस पर, ये कंप्लीट हो गया। सेटिंग्स पर पार्ट देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो सेटिंग्स में ये डिवाइस कनेक्शन दिया हुआ है, वही सेम चीज़ ब्लूटूथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आ गया। एडवांस में देख लेते हैं क्या क्या मिल जाएगा। एडवांस में यहाँ पे देखिए कस्टम बटन दिया हुआ है, ये भी एक तरीके का शॉर्टकट बनाने के लिए ही दे रखा है। इसमें ये देखिए स्टार का एक बटन दिया हुआ है, अगर आपने यहाँ पे कोई भी चीज सेलेक्ट कर रखी है जो आप ज्यादा यूज करते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर दीजिए और सीधे देखिएगा ये वापस उसी मोड पर चला जाएगा। देखिए फोन मैंने सेलेक्ट किया तो ये सीधे फोन पर चला गया। तो यकीन है ड्राइविंग करते समय आपको कोई भी चीज ज्यादा यूज कर सकते हैं तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके रखिए। मैं वापस जाता हूँ, वापस एडवांस में जाते हैं। स्टीयरिंग मोड बटन देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जिनको आपको सेलेक्ट करके रखना, और जो आपने सेलेक्ट करके रखे हुए हैं तो यहाँ पे स्टीयरिंग पे देख सकते हैं ये मोड बटन दिया हुआ है। जब इसको प्रेस करेंगे तो जो जो चीज़ें आपने सेलेक्ट करी होंगी ये उन्हीं उन्हीं मोड्स पे जाएगा। तो ये भी एक तरीके से आपके कन्वीनियंस के लिए ही यहाँ पे दे रखा है। उसके नीचे होम स्क्रीन है जो कि मैंने बताया था, इसके स्टार्टिंग पे इंटरफेस है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, जो चीज़ आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उसको ऊपर की तरफ रख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये भी एक कन्वीनियंस यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद मीडिया चेंज नोटिफिकेशन दे रखी है, अगर आप कोई भी ट्रैक्स को बार बार चेंज करते हैं उसकी नोटिफिकेशन चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगी, और नहीं चाहते तो उसको कर दीजिए डिसेबल। और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कीप रियर कैमरा ऑन, ये फीचर एक ऐसा है जो सिर्फ हुंडई वेन्यू के एसएक्स में देखने को मिला। मैंने टॉप में देखा था, एसएक्स ऑप्शनल में उसमें यह वाला फीचर नहीं था। ये किस तरीके से काम करता है, अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है और इसके बाद हम रिवर्स गियर लगाते हैं तो रिवर्स पार्किंग कैमरे को ही एक्टिवेट कर देगा। इसका म्यूजिक सिस्टम रिवर्स पार्किंग कैमरे के डिस्प्ले को सपोर्ट करता है। अब मैं वापस जैसे न्यूट्रल करूंगा तो ये देखिए ये कैमरे का डिस्प्ले नहीं गया, ये तब तक नहीं रहेगा जब तक एक सर्टेन स्पीड पे गाड़ी चल जाएगी, तब तक ये दिखाता रहेगा, उसके बाद ही अपने आप चला जाएगा। तो ये एक ऐसा फीचर है जो मिलता है सिर्फ वेन्यू के एसएक्स के म्यूजिक सिस्टम पे। और इसको मैं वापस दिखा देता हूँ, इसको डिसेबल करके क्या हो जाएगा। तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया, अब मैं वापस रिवर्स गियर लगाता हूँ तो ये देखिए कैमरे का एक्टिवेट हो गया, और जैसे मैंने इसको न्यूट्रल किया ये वापस कैमरा हट गया। तो ये एक फीचर है जो आपको अगर आप चाहते हैं अपने किसी भी कन्वीनियंस के हिसाब से तो आप यहाँ से इसको ऑन करके रख सकते हैं। तो एडवांस पार्ट के बाद अब देख लेते हैं इसके जनरल सेटिंग्स में क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें ब्लूटूथ रिमोट लॉक, इसमें आई ब्लू ऐप कनेक्टिविटी भी दे रखी है जिसको अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। इसको अगर आपको नहीं यूज करना है या फिर आप चाहते हैं कि वो ना कनेक्ट हो तो इसको आप इनेबल करके रखिए, और कनेक्ट हो तो उसको डिसेबल करके रखिए। इसके बाद यहाँ पे डेट एंड टाइम को सेट कर सकते हैं। ये लैंग्वेज, इसमें दो ही लैंग्वेज दे रखे, इंग्लिश और ये शायद कोरियन दी हुई है। उसके नीचे यहाँ पे कीबोर्ड सेटिंग्स को भी आप चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कीबोर्ड को यहाँ पे सेट कर लीजिए। नीचे स्क्रीन सेवर दे रखा है, स्क्रीन सेवर में डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक या फिर कोई भी स्क्रीन सेवर जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये सिस्टम इन्फो दिया हुआ है, इसमें वर्जन एंड अपडेट का ऑप्शन दे रखा है। इसके नीचे मेमोरी है, इसमें इनबिल्ड मेमोरी कितनी बची है वो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। ये वापस मैनुअल आ गई, और ये डिफॉल्ट, इसको वापस आप डिफॉल्ट सेटिंग्स में करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको आप कर सकते हैं। इसके बगल में साउंड सेटिंग्स में देख लेते हैं क्या क्या चीज दे रखी है। तो ये देखिए इसमें पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशंस में यहाँ पे जिस भी स्पीकर का वॉल्यूम आपको ज्यादा रखना है वहां से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटर पे कर सकते हैं। इसके बाद वॉल्यूम लेवल्स पे देखते हैं, यहाँ पे सिस्टम साउंड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बीप्स, देखिए जो बीप्स हैं इनको कम ज्यादा कर सकते हैं, प्लस रिंगटोन्स, जब कोई कॉल है तो कितना देर रिंगटोन बजे उसकी वॉल्यूम को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये फोन प्रोजेक्शंस पे देख लेते हैं, तो एंड्रॉयड ऑटो के लिए भी मीडिया वॉइस गाइडेंस इनकी आप वॉल्यूम्स को सेट कर सकते हैं, एप्पल कार प्ले के लिए भी यहाँ पे आप इन चीजों को सेट कर सकते हैं। चलिए वापस बैक चलता हूँ। इक्वलाइजर्स है रखे हैं, इसमें बेस मिडिल एंड ट्रेबल दिया हुआ है, इसमें आप इक्वलाइजर्स को सेट कर पाएंगे म्यूजिक के लिए। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम रेशियोज में देख सकते हैं, तो प्रॉक्सिमिटी वार्निंग दे रखा है। यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई वार्निंग्स या नोटिफिकेशंस आएंगे तो वो उसकी वॉइस ज्यादा बढ़ जाएगी और म्यूजिक की कम हो जाएगी, तो इसको आप इनेबल या डिसेबल रख सकते हैं। प्लस यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम लिमिटेशन ऑन स्टार्टअप, यानी जब भी आप इस म्यूजिक सिस्टम को स्टार्टअप करें तो वॉल्यूम को ऑटोमेटिकली लो कर दे, चाहे आपने लास्ट टाइम कितनी भी तेज पे इसको रखा हो, ये भी आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं।
इसके नीचे यहाँ पे एडवांस पे है ये दिया हुआ स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल। जब गाड़ी को आप ड्राइव करेंगे तो जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी ये कुछ परसेंट वॉल्यूम को बढ़ाता जाएगा म्यूजिक की, तो इसको भी आप अगर इनेबल करके रखेंगे तो वॉल्यूम को बढ़ाएगा, नहीं तो ये नहीं बढ़ाएगा। उसके नीचे यहाँ पे ये देखिए आर्कमी साउंड मूड दे रखा है, ये बहुत अच्छा फीचर है जो इसमें म्यूजिक के सराउंड को कंट्रोल करता है। किस तरीके से, इसमें देखिए चार ऑप्शंस हैं, नेचुरल, क्लब, लॉन्च एंड लाइव। इन चार ऑप्शंस में जो भी सिलेक्ट करेंगे देखिए हल्की सी साउंड चेंज हो जाएगी। मैं इसका छोटा सा डेमो दे देता हूं, मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूं, मैं एक पेन ड्राइव को ऑन कर दूं, मैं कोई भी एक सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेता हूं, अब जैसे सुन रहे होंगे कि मैं जैसे जैसे उसमें जो भी सिलेक्ट कर रहा था तो साउंड में हल्का सा चेंजेस आ रहा था, तो ये आप भी अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे दे रखा है ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल, ये मेंटेन्स अ कांस्टेंट वॉल्यूम लेवल रिगार्डलेस ऑफ द साउंड सोर्स। यानी जब भी कोई कभी कभी क्या होता है किसी ट्रैक में साउंड ज्यादा है किसी में कम है तो उसमें क्या ये मेंटेन कर देगा इसको आपने एनेबल करके रखा हुआ है। तो ये बात तो हो गई इसके साउंड की। एडवांस में इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट, अगेन आपने कोई भी चीज चेंजेस किए होंगे उसको वापस फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो साउंड के नीचे देखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग्स। डिस्प्ले सेटिंग्स में ये ऑप्शन दिया हुआ है इसकी ब्राइटनेस को सेट करने के लिए, आपने ऑटो पे कर रखा है तो बाहर की ब्राइटनेस के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट करेगा, या फिर अगर आपने इसको डिसेबल कर दिया तो डे लाइट या नाइट, जैसा भी आपको इसका डिस्प्ले रखना वैसे आप यहां से इसको सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस को भी यहां से आप इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। ये ब्लू लाइट यहां पे दे रखा है, ये भी एक ऐसा फीचर है जो मुझे टॉप एरेंट के SX ऑप्शनल के म्यूजिक सिस्टम पे देखने को नहीं मिला। ये ब्लू लाइट एक तरीके से ब्लू लाइट फिल्टर दिया हुआ है, यानी आंखों के स्ट्रेन को कम कर देगा। अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है तो ये जो है ब्लू लाइट एमिट्स कम कर देगा, सेम उसी तरीके से जैसे स्मार्टफोन्स पे भी कई पे नाइट मोड आता है, तो ये भी है। अगर आपने ऑटो पे है तो ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा, या इसको आप शेड्यूल भी कर सकते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ये ब्लू लाइट फिल्टर मोड ऑन रहे। उसके नीचे यहाँ पे अगेन ये भी डिफॉल्ट सेटिंग से आप इसको वापस डिफॉल्ट पे सेट कर सकते हैं। तो ये बात तो हो गई इसके पूरे म्यूजिक सिस्टम के सेटिंग्स की। इसके बगल में यहां पे आके देखेंगे तो ये देखिए दिया हुआ है DRVM, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर सिस्टम इसमें लगा हुआ है। ये सिर्फ हुंडई की वेन्यू में ही आया है, हुंडई की किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिला। इसकी फंक्शनिंग किस तरीके से काम करती है, अगर आपने ऑन करके इसको रखा है, मैं एटमेटली हैंडब्रेक को नीचे कर देता हूं क्योंकि ये ड्राइविंग मोड पे ही वर्क करता है, और इसको मैं इसको देखिए टच किया तो ये पीछे का व्यू आता रहेगा, यानी इसका रियर कैमरा ऑन रहेगा जब आप ड्राइव कर रहे होंगे, तो ड्राइविंग समय पे आप पूरा पीछे का व्यू ले सकते हैं। तो ये भी एक ऐसा फीचर है जो हुंडई वेन्यू के 8 इंच के टच म्यूजिक सिस्टम पे दिया हुआ, ये दोनों चाहे आप SX परचेज करें SX ऑप्शनल ये दोनों में ही मिल जाता है। तो ये पार्ट हो गया इसका सारा मेन्यूज का, इसके अलावा यहां पे मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। तो ये जो फीचर्स थे आपको मिल जाएंगे हुंडई वेन्यू के SX वेरिएंट के 8 इंच के टच म्यूजिक सिस्टम पे। अब मैं आपको बता देता हूं iBlue ऐप को कैसे कनेक्ट करना है। हुंडई iBlue ऐप सिर्फ एंड्रॉइड फोन्स के लिए ही बनाया गया है। आपके पास अगर एंड्रॉइड फोन है तो उसके स्टोर पे जाएं, स्टोर पे जाने के बाद टाइप करिए हुंडई iBlue, ये देखिए यहाँ पे आ गया, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ओपन करते हैं। आपको अपने फोन को ब्लूटूथ से पहले से कनेक्ट करके रखना होगा म्यूजिक सिस्टम से। इसके बाद यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे हुंडई वेन्यू दिखा रहा है, जैसे वेन्यू को दिखाया तो यहाँ पे देखिए रिमोट कंट्रोलर इज कनेक्टेड। अब ये फोन एक तरीके से आपका इस ऐप के थ्रू इस म्यूजिक सिस्टम का रिमोट बन गया है, यानी आप म्यूजिक सिस्टम को थ्रू स्मार्टफोन यानी इस ऐप हुंडई iBlue ऐप से ऑपरेट कर पाएंगे। मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से। अगर आपको जैसे रेडियो सुनना है, यानी इसमें रिमोट तो दिया नहीं, तो पीछे की सीट में अगर आप बैठे हुए हैं तो आप म्यूजिक सिस्टम को यहीं से बैठे बैठे देखिए ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे चैनल चेंज कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ से चैनल चेंज हो जाएगा। आप यहीं से वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए यहीं से वॉल्यूम इसमें कंट्रोल हो जाएगी। यहीं से आप बैंड्स को चेंज कर सकते हैं। वापस जाता हूँ, बाकी इसमें मीडिया दिया हुआ है, आप ब्लूटूथ ऑडियो USB या फिर कोई भी चीज में एक्सटर्नल अटैच है उसको आप यहीं से चेंज कर पाएंगे और म्यूजिक को सुन पाएंगे। इवन साउंड को भी आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं, पोजीशंस, इक्वलाइजर्स एंड आर्कमी साउंड मोड।
तो ये सारे फीचर्स म्यूजिक सिस्टम के आप थ्रू iBlue ऐप गाड़ी के अंदर बैठ के कहीं से भी ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये फीचर भी Hyundai Venue के SX में दिया हुआ है। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा Hyundai Venue SX के 8 इंच के टच म्यूजिक सिस्टम को, ये टॉप वेरिएंट से तीन चीज़ों में डिफर करता है। इसमें इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम नहीं दे रखा है, ना ही इसमें आप वीडियो प्लेबैक कर पाएंगे क्योंकि HD पैनल डिस्प्ले नहीं दिया हुआ है। मैंने अपने इस वीडियो में Hyundai Venue SX के सारे फीचर्स को कवर किया है, फिर भी अगर कुछ छूट जाता है या आपके मन में कोई सवाल है तो मेरे कमेंट सेक्शन पर जाकर लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब को देने की। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।